यूं ही नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते हैं। अगर कोई भी अधिकारी कुछ गलत करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉलेशन। ताजा मामला मिड-डे मील का है, जहां लगातार सरकारी स्कूल में बच्चों के खाने से जुड़ी जो मामले आ रहे थे, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। और एक्शन लेने के बाद 38 अधिकारी के ऊपर जो है ये गाज गिरी है। उनकी नौकरी तो खतरे में है ही, लेकिन अब उनके जो वेतन है वो भी काट दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील का जो खाना आता है, उसमें लगातार कभी छिपकली तो कभी सांप तो कभी कीड़े मकोड़े जो हैं वो पाए जा रहे हैं। और ये खाना खाने के बाद बच्चे जो हैं काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं और फिर उनका अस्पताल में इलाज चलता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर 38 अधिकारियों के ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया है। और एक्शन लेने के बाद अब विभाग में हड़कंप भी मच गया है। बिहार में सरकारी स्कूलों के MDM यानी कि बच्चों के एक खाने में कीड़ा, छिपकली, सांप और अन्य जीव पाए जाने पर ये आम हो गया है। अब तक बड़ी संख्या में बच्चों के स्कूल में खाना खाने के बाद मौत हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे बीमार हो चुके हैं। पिछले दिनों खिचड़ी में सांप के बाद छिपकली मिलने की घटना के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार MDM में ये सब क्यों मिल जाता है, आम आदमी के दैनिक खान पान से नहीं मिलते हैं। इसका उत्तर है अधिकारियों की लापरवाही। MDM के लिए अलग से अधिकारी तैनात किए गए हैं, लेकिन ये ठीक से काम नहीं करते हैं। स्कूलों के माध्यम से भोजन की जांच नहीं करने पर राज्य के 38 जिलों के प्रखंड साधना सेव यानी कि BRP पर कार्यवाही की जा गई है। वहीं BRP पर आरोप है कि उन्होंने एक भी विद्यालय का टैब बेस्ड निरीक्षण नहीं किया है। वहीं 26 जिलों के BRP ने आधा अधूरा निरीक्षण किया है। आपको बताते चलें कि भोजन निदेशालय के 13 जिलों के BRP के वेतन में 20% की कटौती की गई है। 26 जिलों के BRP को टैब के रख रखाव और मरम्मत मद में दिए जाने वाले 1,000 रुपये की कटौती की गई है। साथ ही साथ ये चेतावनी दे दी गई है कि जांच के निर्धारित बिंदुओं पर अगर ससमय पालन नहीं किया जाएगा। निदेशालय की माने तो BRP से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था कि मध्यान्ह के भोजन की जांच के लिए सभी BRP को टैब बेस्ड निरीक्षण करना होगा। इसमें स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को सही से खाना मिल रहा है या नहीं, खाने की गुणवत्ता का ख्याल रखना होगा, या साथ ही साथ सभी बच्चे को सही से खाना परोसा जा रहा है या नहीं, इन तमाम चीजों की जानकारी हर दिन निरीक्षण करने के बाद उसे टैब पर दिए गए लिंक में अपलोड करना होगा। वहीं आपको बताते चले कि मध्यान्ह भोजन योजना के जांच नहीं करने पर निदेशालय सख्त है। सभी BRP को 30 स्कूल और कुल स्कूल का 20% निरीक्षण करना था, लेकिन प्रखंड साधना सेवी ने लापरवाही बरती है। अब स्कूल में गुरुजी को पढ़ाने के तरीके की भी मॉनिटरिंग होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने शनिवार को अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है कि वो विभाग के अधिकारियों के साथ प्राथमिकी और माध्यमिक निदेशालय की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में उन्होंने निदेशालय का प्रेजेंटेशन भी देखा। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं और तहत गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूलों का नियमित निरीक्षण जो है वो होगा। तो जहां एक तरफ मिड डे मील के जो खाने हैं उसके लेकर अब सरकार जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है नजर आ रही है, जहां एक तरफ ये साफ आदेश दे दिया गया है कि जिनको इन सारी चीजों की निरीक्षण करने के लिए कहा जाता है, जो अधिकारी का काम है कि सारे टैप को देखें, स्कूल में बच्चे को खाना कैसे परोसा जा रहा है, खाने किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, अगर इस पर अच्छे से कार्यवाही नहीं करेंगे, अगर इसका निरीक्षण नहीं करेंगे तो उन पर हम एक्शन लेंगे। साथ ही साथ लगातार जो मिड डे मील खाने को लेकर खबर आ रही है, कभी बच्चों के खाने में छिपकली मिल जाता है तो कभी सांप देखने को मिलता है, इसको लेकर भी अब अधिकारियों पर जो है बिहार सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर्मेशन।